अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद किड्स। आज के जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हंजला के ईद की शॉपिंग, जो कि हंजला के नाना अबू और नानों ने की है। अपनी मर्जी से ड्रेसेस लेके आए हैं, अपनी मर्जी से सारी उनकी चॉइस है। मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं गई थी, खुद ही गए थे। और एक सूट तो हंजला खुद जाके लेके आया था मम्मा के साथ, यहीं से जो हमारा करीब मार्केट है। बाकी पापा और मम्मा दूसरी जगह से लेके आए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हंजला की जो ईद की शॉपिंग है वो क्या कुछ है, इसमें क्या कुछ आया है हंजला के लिए। सारी चीज़ें मैं अभी बाहर निकालती हूँ वन बाई वन, और फिर मैं डिटेल से आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। अच्छा जी, तो ये है जी मेरे बेटे की ईद, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि इसके नाना बुआ और नानों की तरफ से है। इसके दो दो चार सूट हैं हंजला के, दो ये निक्कर शर्ट हैं शॉर्ट्स के साथ हैं, और वो दो शलवार कमीज हैं, वो सैंडल हैं, और ये हंजला की कैप है, एक इसके अंदर है। हुआ कुछ यूं था कि हंजला ज़िद कर रहा था कि मैंने बाहर जाना है शॉपिंग के लिए, तो नहीं वैसे ही वो ज़िद कर रहा था कि बाहर जाना, वो उसकी आदत आजकल वो अपनी नानों के पीछे पीछे होता है कि मुझे बाहर जाना है। तो मम्मा उसको मार्केट ले गई और उसकी मर्ज़ी से उसको मर्ज़ी से मतलब उसको साथ ले जाके एक ये सूट लेके दिया, जो कि हंजला सिर्फ और मम्मा और साथ में हफ्सा, वो तीनों गए थे। मम्मा को यहाँ से जी वहाँ एक ये वाला सूट पसंद आया हंजला के लिए, जो कि क्यूट सा है, प्यारा सा है। ये देखें इसका जो डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो कुछ इस तरह का है। ऊपर से ये शर्ट है और ये सारा इसके साथ अटैच है। और इसके साथ जी ये है इसके लॉन्ग शॉर्ट्स या निक्कर जो भी कह लें, ये चीज़ है। और इसके साथ जी मेरी मम्मा ने की है मैचिंग। की मम्मा ने कहा लड़कियां तो करती हैं, लड़का भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हंजला की नानों ने ये एक कैप ही ये पूरा जो पेयर था इसके साथ मिक्स किया, और एक ये वाली कैप है ये अलग से उन्होंने ली है, अच्छी लग रही थी उनको, और दो ये कैप ले ली। अच्छा जी, ये तो हो गई यहाँ से शॉपिंग। फिर मेरे एक जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मुझे इतनी क्यूट लगी हंजला को, पापा ने मेरे जो पापा हैं उन्होंने मेरे से मेजरमेंट नहीं पूछा हंजला का क्या है क्या नहीं। तो लिटरली मैंने देखा बाहर हंजला खड़ा हुआ था, पापा के साथ खेल रहा था, और मेरे पापा हाथ के साथ यूं यूं इस तरीके से करके ना, ये जो चीज़ होती है जिसे कहते हैं ना नाप तोल करने वाला हिसाब, इस तरीके से उसको देख रहे कि इसका साइज़ क्या है। और इसी तरह वो गए हैं, और जाके उनका प्लान था कि इसके लिए कपड़े लेके आएंगे खुद से, तो ऐसे कपड़े लेके, जो कि चीज़ काफ़ी मुझे क्यूट लगी अपने पापा की। ये एक प्यार और मोहब्बत होता है जो कि अच्छा लगता है, और माँ के लिए तो जब उसकी औलाद के लिए खासकर कुछ किया जाता है, कोई भी प्यार करता है, कोई अच्छा लफ्ज़ बोल देता है, तो वो चीज़ें वैसे ही दिल को छू जाती हैं और हर चीज़ कुर्बान करने को दिल करता है। तो मैंने इस दफ़ा हंजला की मैंने रखे थे दो सूट जो मैंने स्टिच करवाए थे, वो फिर मम्मा ने कहा नहीं तुम ये नहीं पहनाओगी, जो अभी ये आए हैं यही पहनाओगी, अपने बाद में पहनाना। मैंने कहा ठीक है जी, तो वो मैंने उठा के रख दिए। अच्छा जी, बातें भी साथ साथ हो रही हैं। अच्छा, दो कैप थी ये वाली जो कि दिखा दी मैंने आपको, एक ये वाला ड्रेस हंजला का, और जी एक ये वाला है इसके साथ, ये भी हंजला की एक पेंट है शॉर्ट भी ना, ये देखें इस तरह, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत प्यारा है ये भी, ये वाला ना, ये देखें इस तरीके से है। इसके साथ एक ये चीज़ है जो कि आपको ऐसे दिखाती हूँ पीछे से भी और आगे से भी। इसको मैं ना खोलने की ट्राई कर रही हूँ एक हाथ से, क्योंकि इसके अंदर एक मिनट, अच्छा जी एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए थोड़ी सी तंगी हो रही है, खैर इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। अब इसके नीचे एक ये वाली टी शर्ट है सिंपल, आप ये भी पहना सकते हैं, और ऊपर ये इसके इस तरह से ये ऊपर आएगी ये चीज़, और स्लीव्स इसके भी हाफ हैं, और साथ इसके ये इसके पैंट ही है जी। ठीक है जी, ये एक सूट ये हो गया, और ये दूसरा है, और ये वाले जो है ना ये है शलवार कमीज़, दोनों ये दोनों भी बहुत प्यारी है। मैंने पहले खोल के देख ली थी, आप लोगों को मैं अब दिखा दूँ, सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें ये है ब्लैक कलर में, ये देखें जी इसके ऊपर इस तरह से हुआ हुआ है काम, और मज़े की बात ये है इसकी पॉकेट भी है छोटू सी। भाई ईदी इकट्ठी करनी है भाई मेरे बेटे ने अपने यहाँ पे, तो ननियाल में मेरे बेटे की पहली ईद है,
बाकी ये देखें ये इस तरह से, और इसकी जो साथ में इसकी जो शलवार के है ये देखें, ये वाली है, थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नीचे से ये ना इजीली फोल्ड हो जाएगी, इसको फोल्ड करवा लूँगी। और ये चीज़ भी अगर थोड़ी सी बड़ी हो तो इतना इतना हिस्सा ये फोल्ड हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, अच्छा जी, एक ये वाला हो गया। उसके बाद है जी ये वाला ड्रेस, इसका जो कलर है ये भी बहुत प्यारा है, और इसकी जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई ना, ये बहुत नफासत के साथ हुई है और बहुत प्यारी हुई हुई। अच्छा, दोनों बहन वाले हैं ये। ये देखें, मैं करीब से दिखाऊँ आपको, बहुत खूबसूरत इसके ऊपर जो ये एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, बहुत प्यारी हुई है। और इसके साथ भी जी पॉकेट है, ये देखें छोटू सी पॉकेट है, और ये इसकी, और इसके साथ जो शलवार है वो बिल्कुल सेम कलर में है। ये देखें ट्राउज़र टाइप की ना ये बना हुआ नीचे से। अच्छा जी, एक ड्रेस मेरे बेटे का ये हो गया, और दूसरा मेरे बेटे का ये वाला ड्रेस है जो कि ब्लैक कलर में है, और तीसरे नंबर पे ये ड्रेस है, और चौथे नंबर पे ये ड्रेस है जी। चार ड्रेस हैं, और इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा मेरे बेटे के पड़े हुए हैं, ताकि जो बच्चों के जितने कपड़े हो ना, ख़राब भी करते हैं, गंदे हो जाते हैं जल्दी। और उसके अलावा ये जो सैंडल हैं हंजला के, इसकी भी एक स्टोरी है। ये हंजला के सैंडल पहले के हैं, अभी न्यू नहीं लिए क्योंकि पड़े हुए थे काफ़ी मेरे पास, तो नए मैंने मना कर दिया था कि ना लेके आना। ये हंजला के जो सैंडल है ना, जब हंजला के पापा पाकिस्तानी थे, अदनान और मैं, हम लोग शॉपिंग पे गए थे तो लिए थे, जो कि इतने क्यूट इतने प्यारे थे। हम ये देखिए, उस वक़्त ये पहनाए नहीं थे मैंने हंजला को, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा उसके 4 से 5 मैं यूज़ कर रही थी, फिर मैंने रख दिए, तो अभी ये काम आएंगे, ईद पे मैं इसको पहनाऊंगी। ये भी बहुत प्यारे से हैं। तो जी बस ये थी मेरे बेटे की ईद, जो कि ईद वाले दिन और कैसे गुजरती है वो चीज़ें बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जो चैनल है उस पर भी अक्सर आप लोग पूछ रहे हैं कि आप सऊदीया क्यों नहीं गई, आपने कब जाना है या नहीं जाना, तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, और मैं यहाँ क्यों हूँ इसकी भी रीज़न आप लोगों को बताऊंगी जल्दी। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा हालात अच्छे हो जाएं, और जल्दी से ये जो मामलात हैं मुल्क में, जो ये जो बीमारी है, अल्लाह ताला इससे निजात हासिल हमें हो जाए, अल्लाह ताला निजात दिलवा दे इससे। और रोज़े रख रहे हैं ईद, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी आप लोगों के घरों में अपने प्यारों के साथ अच्छे से आप लोगों को ईद मनाने का अल्लाह ताला मौका दे, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चे जो भी जहाँ कहीं भी हैं, सब मिलके ईद करें। हमारी ईद इस दफ़ा अकेले अकेले गुजरेगी, अकेले मतलब हंजला के बाबा यहाँ नहीं हैं पाकिस्तान, तो वो सऊदीया में। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद हम एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो और कुछ जो चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, वो भी आप लोगों को अपडेट जो है वो करती रहूँगी। बस अभी आप लोगों ने ये बताना है मेरे बेटे की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी ईदी आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, और इतनी प्यार से इतनी मोहब्बत से मेरे मम्मा पापा लेके आए हैं हंजला के नाना बूर नानो, और मेरे बेटे के लिए इतनी 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 ढेरों ढेरों चीज़ें आ रही हैं कि वो एक कमी जो होती है ना, कि आपके पास इसके बाबा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हालांकि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी जब आपके पेरेंट्स या कुछ भी कर रहे होते हैं आपके लिए, तो वो एक चीज़ बहुत ही आपको ना दिल को लगती है, वो चीज़ मेरे साथ हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये चीज़ें जो है ना, ये देखना, इनको करना, आई डोंट नो वाई, हर एक माँ के साथ ही ऐसा होता है, बहुत एक खुशी सी मिलती है जब आपके लिए कोई इतना ज़्यादा करता है। मेरे भी कपड़े आए हैं, मेरे तो सिल चुके हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं, कुछ रेडीमेड हैं, अपनी भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बट आज की वीडियो सिर्फ हंजला के लिए थी, हंजला का है ये सारा कुछ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं इस चैनल पे मोस्टली हंजला की ही वीडियो वगैरह जो है ना, वो अपलोड करती हूँ। मज़ीद आप लोग बच्चों से रिलेटेड इस टॉपिक पर क्या कुछ देखना चाहते हैं आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।